1977 में जब मोरारजी देसाई की पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि देश सबसे बड़ी राजनीतिक हस्ती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे से राजनीतिक कद के शख्स राजनारायण के हाथों इस तरह हार का मुंह देखना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के बाद ही 1977 में केंद्र में जनता दल की सरकार बन सकी थी। इसी आंदोलन में बाबू जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं का सितारा बुलंद किया, लेकिन 2 साल बाद ही चौधरी चरण सिंह की सरकार के साथ ही गैर कांग्रेसी सरकार का पतन अंत विरोधियों के चलते हो गया। 1980 में जब लोग यह सोच रहे थे कि अब इंदिरा गांधी की वापसी नहीं होगी, तब कांग्रेस ने 350 सीटें जीतते हुए सत्ता में जबरदस्त वापसी की थी और जनता दल मात्र 31 सीटों पर सिमट गया था। साल 1989 में भी ऐसी परिस्थितियां पनपी थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी वो फोर्स घोटाले में फंसे, तब एंटी करप्शन मूवमेंट की वजह से केंद्र में दूसरी बार कांग्रेस सरकार की वीपी सिंह के नेतृत्व में बनी। एसपी नए न्यूज रूम की रिपोर्ट।